नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के करीबी नेताओं को जेल से राहत नहीं मिल पा रही है, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खुद ईडी का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चौथा समन जारी कर दिया है और 18 जनवरी को अरविंद केजरीवाल को पेश होने के लिए पूछताछ के लिए बुलाया है। ऐसे में अब देखना यही दिलचस्प रहने वाला है कि क्या अरविंद केजरीवाल यहां पर ईडी के सामने पेश होते हैं या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले ईडी ने 3 समन जारी किए थे, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने इन तमाम समनों को राजनीति से प्रेरित बताया था। अरविंद केजरीवाल का साफ आरोप है कि बीजेपी यहां पर सरकारी एजेंसियों का गैर तरीके से इस्तेमाल कर रही है और ऐसे में करारा झटका देते हुए नजर आए थे। ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल अब ईडी के सामने पेश होंगे, इस पर सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। दूसरी तरफ बात कर ली जाए संजय सिंह की, तो संजय सिंह अब जेल से बाहर आने के लिए काफ़ी उत्सुक नज़र आ रहे हैं। पिछले दिनों जिस प्रकार से संजय सिंह के सहयोगी उनके साथ जो जेल में बंद थे सर्वेश मिश्रा को जमानत मिल चुकी है, तो ऐसे में संजय सिंह को जेल से जमानत की उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई हैं। आगे आने वाले वक्त में हो सकता है यहाँ से संजय सिंह जेल से बाहर आ जाए, क्योंकि जिस आधार पर कोर्ट लगातार उनके खिलाफ जो सुनवाई हो रही है उसमें ईडी से जांच की मांग पूरी करने की बात कर रहा है। और ऐसे में कोर्ट का साफ साफ यही कहना है कि जो अपराधी कन्विक्टेड होता है उसका अधिकार बेल लेने का होता है। जब तक आरोप साबित नहीं हो जाता, जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक आरोपी किसी भी हालत में यहाँ से जो है जेल में नहीं रह सकता और अधिक समय तक जेल में उसको नहीं रखा जा सकता है। तो क्या अरविंद केजरीवाल अब लोकसभा चुनाव से पहले जिस तैयारी में दिख रहे हैं वहां से संजय सिंह को बाहर निकालते नजर आएंगे, क्योंकि संजय सिंह दोबारा से राज्यसभा के सांसद भी चुने जा चुके हैं, तो ऐसे में कोर्ट से उन्हें राहत मिलना अब कहीं ना कहीं आसान होता नजर आ रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज।